की शिकार हुई है। 477 तो बहुत बड़ी संख्या है महोदय। अगर एक ही बहन के साथ इस प्रकार का अन्याय हुआ तो इस सदन की हम सबकी ये जिम्मेदारी है कि हम उस बहन को न्याय दिलवाएं। आज ये निवेदन आपके सम्मुख में रखना चाहती हूँ। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि ये एक सिविल मैटर है, इसको क्रिमिनलिटी की दृष्टि से क्यों देखा जाए। इस देश ने वो मंजर भी देखा जब ये कहा गया, इस देश ने वो मंजर भी देखा जब ये कहा गया कि अगर दहेज लिया जाता है, दिया जाता है, तो लेने वाले और देने वाले को परेशानी नहीं। ये एक सिविल मैटर है, इसमें कानून का क्या काम। फिर भी इस सदन ने दाउरी को क्रिमिनल दृष्टि से देखा और कानून स्थापित किया। इस देश ने, हमारी सभ्यता ने, हमारे समाज ने वो मंजर भी देखा जब सती की प्रथा चली, लेकिन समाज ने संविधान के संरक्षण में उसे भी गैर कानूनी ठहराया। आज अगर 1986 के उस कानून में ताकत होती तो शायरा बानो को सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर दस्तक देने की नौबत ही नहीं आती। वो लोग जो कहते हैं कि मुस्लिम समाज में शादी तो बस एक कॉन्ट्रैक्ट है, उस कॉन्ट्रैक्ट को, और मैं तो स्तब्ध हूं महोदय कि सलीम साहब को ये लगा कि अगर कुरान में से मीनाक्षी लेखी ने कुछ अंश सदन के सम्मुख सम्मान सहित प्रस्तुत किए तो मजाक की बात है। आपको तो फक्र होना चाहिए इस बात का कि सदन में, इस चर्चा में कुरान से पढ़कर भी उन शब्दों के आधार पर न्याय की बात की जा रही है। और अगर आप इसे कॉन्ट्रैक्ट की दृष्टि से देखते हैं महोदय, तो यह हिमाकत मैं भी करूं सलीम भाई, वर्स 231 को अगर पढ़ें तो उसमें लिखा है, व्हेन ही डिवोर्स विमेन एंड दे फुलफिल द टर्म ऑफ इद्दत, ईदर टेक देम बैक ऑन इक्वल टर्म्स और सेट देम फ्री ऑन इक्वल टर्म्स। हिंदुस्तान की आवाम जानती है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट रद्द करना हो तो यूनिलैटरली कोई भी कॉन्ट्रैक्ट रद्द नहीं होता, और अगर कॉन्ट्रैक्ट रद्द होता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं और वो इक्वल शर्तों पर रद्द किए जाते हैं। आज वो लोग जो इस दृष्टि से इस चर्चा में भाग ले रहे हैं कि इसको क्रिमिनलिटी की नजर से क्यों देखा जाए, उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि अगर इस्लामिक ज्यूरिसप्रूडेंस का इतिहास देखा जाए तो दूसरे खलीफ के सामने पहली बार ऐसा केस आया जब पूछा गया एक व्यक्ति से कि आपने क्या इस प्रकार से तलाक दिया है, और जब व्यक्ति ने स्वीकारा तो उस वक्त, दूसरे खलीफ के उस वक्त, उनको 40 कोड़ों की सजा सुनाई गई। इसका मतलब इस्लामिक ज्यूरिसप्रूडेंस का इतिहास भी ये बतलाता है कि तलाक ए बिद्दत एक क्रिमिनल एक्ट है अगेंस्ट अ वुमन। आज यह सदन इस बात का फक्र कर सकता है कि सुप्रीम कोर्ट हजरत साहब का नाम मेरे नाम मुंह से सुनना चाहते हैं तो मैं भी हनुमान चालीसा आपके मुंह से सुनना चाहूंगी साहब, कभी दम हो तो सुना दीजिएगा। मैं इतना कहना चाहती हूँ, वो लोग जो इस बात का प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, व्हाट हैपेंड टू ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, लेट देम रीड दैट अ मैजिस्ट्रेट विल इंश्योर ड्यू प्रोसेस एंड रीजनेबल प्रोसेस ऑफ लॉ। वो लोग जो इस बात का संदेह करते हैं कि ये एक औरत के हाथ में हथियार हो जाएगा मर्द के खिलाफ, वो शायद उस मैजिस्ट्रेट के साथ नाइंसाफी करते हैं जिसके लिए संविधान सर्वोपरि है। आज मैंने, क्योंकि संक्षेप में हस्तक्षेप करने का आपसे निवेदन किया, मैं इतना ही कहना चाहती हूं कि कानून मंत्री जी जो यहां विराजित हैं, प्रधानमंत्री जी को विशेष अभिनंदन इसलिए क्योंकि आपने राजनीति के मकसद से नहीं बल्कि इंसाफ के मकसद से इस बिल की शुरुआत की, इस कानून की शुरुआत की। क्योंकि अगर राजनीति करनी होती महोदय
अगर राजनीति करनी होती महोदय, अगर वोट बैंक की पॉलिटिक्स करनी होती, तो उस मुसलमान बहन की आह इस सदन तक नहीं पहुंचती। जिन स्टेक होल्डर्स की ये बात करते हैं, वो नकवी साहब तक भी पहुंचे, रविशंकर प्रसाद तक भी पहुंचे, मेनका गांधी तक भी पहुंचे, इन तक भी पहुंचे ये कहते हुए कि इंसाफ को अब तक देर हुई है, अब वक्त खत्म हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने इंसाफ किया, अब तुम्हारी बारी है कि तुम इंसाफ करो। सर, दिस पर्टिकुलर तलाक ए बिद्दत हैज बीन फाउंड बैड इन थियोलॉजी, फाउंड बैड इन द आईज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। आई बिसीच दिस हाउस टू फाइंड इट बैड इन लेजिस्लेशन ऑल्सो। आई ओनली हम्बली सबमिट सर दैट देयर आर मेनी हू विल टुडे से that there are societal interventions to spot, there are societal interventions to ensure that women in the Muslim community are given justice. I attract your attention and that of this house, sir, to this remnants of the affidavit which have been given before the Honorable Supreme Court, where the All India Muslim Personnel Law Board has promised to issue an advisory so that in the process of marriage, the person performing the nikah will advise both the man and the bride to incorporate a condition to exclude resorting to pronouncement of 3 divorces by her husband in one sitting. Sir, the fact that the All India Muslim Personal Law Board has spoken and yet 477 cases have been found in the country is reason enough for us to expedite this deliberation and finally give justice to Muslim women. That is the only appeal with which I present my intervention. Thank you, sir. Srimati Supriya Sule. अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए घंटी बटन दबाएं।